हेलो फ्रेंड्स, कहता हूँ चैनल स्पोर्ट इन क्रिकेट में आपको क्रिकेट में खबर को नाम को लेकर सबसे पहले और आपने चंद फ्राइव ने क्या चंद फ्राइव भी बल्कि पेश कीजिए तो आपके वीडियो में सके पहले बड़ी खबर को करके निकल के आ रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के औसत की बड़ी खबर इंडियन टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही। बात की जाए तो ऋषभ पंत, शुभमन गिल और ईशांत शर्मा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस, जो इंटर स्क्वाड मैच खेला जा रहा था उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। बात की जाए तो ऋषभ पंत ने सिर्फ 94 बॉलों पर 125 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इसके अलावा बात की जाए तो 85 रनों की जबरदस्त पारी शुभमन गिल ने खेली। इसके अलावा बात की जाए तो ईशांत शर्मा ने भी 3 विकेट जबरदस्त लिए और इंडियन टीम को बहुत ही जबरदस्त फायदा दिया। और बात की जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में इंडियन टीम को यानी बहुत ही जबरदस्त यानी अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी जो फॉर्म है वो दिखा दी और प्रैक्टिस मैच में बहुत ही बेहतरीन। ऋषभ पंत ने सिर्फ 94 बॉलों पर 125 रनों की जबरदस्त पारी खेल के टीम को बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंट में डाल दिया। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही वरुण चक्रवर्ती के औसत की बड़ी खबर। वरुण चक्रवर्ती के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ जो 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी उनके मुताबिक वो फिटनेस टेस्ट में पूरी तरह से पास होंगे। उनके मुताबिक आने वाले जो दिनों में उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और 14 जून से जो मुंबई में उनका जो क्वारंटीन सिस्टम शुरू होगा उनके मुताबिक वो वहाँ पर फिटनेस टेस्ट ज़रूर पास कर लेंगे और श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। उनके मुताबिक वरुण चक्रवर्ती के मुताबिक वो इंडियन टीम को बहुत ही ज़्यादा फायदा देना चाहते हैं और वो इस फिटनेस टेस्ट के बाद वो पूरी तरह से उनको कॉन्फिडेंट है कि वो फिटनेस टेस्ट पास करके यानी इंडियन टीम में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जो श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो उनका 14 दिन का क्वारंटीन 14 जून से शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज शो शुरू होगी। और बात की जाए तो 3 जून से सीरीज शुरू होगी। और बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम ने इसकी अनाउंसमेंट कर दिया, सिलेक्शन कर दिया। और बात की जाए तो इयान मॉर्गन कप्तानी करेंगे, मुइन अली, इसके अलावा जॉनी ब्रेस्टो, सैम बिलिंग, जोस बटलर, इसके अलावा और बात की जाए तो सैम करन, टॉम करन, इसके अलावा लियाम डॉसन, इसके अलावा क्रिस जॉर्डन और लिंगस्टोन, इसके अलावा डेविड मिलान, आदिल रशीद, जेसन रॉय, डेविड विली, क्रिस वॉक्स, इसके अलावा मार्क वुड। 3 T20 मैचों की सिलेक्शन कर दी गई और जिसमें और बात की जाए 3 जून, 24 जून और 26 जून को खेले जाएंगे 3 T20 मैच। इन्हीं 3 T20 मैचों के लिए सिलेक्शन कर दी गई इंग्लैंड की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करके खबर निकल के आ रही आंद्रे रसल के वाले साथ की बड़ी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त खेल रहे हैं जो आंद्रे रसल, बात की जाए तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और बात की जाए तो रीज़न ये है कि उनकी बोनसर लगी थी, उसके बाद उनको यानी उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है कि उनकी जो इंजरी है वो कितनी बड़ी है, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में उनको यानी बोनसर लगने की वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये बहुत ही बुरी खबर। और बात की जाए तो आंद्रे रसल बहुत ही जबरदस्त दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से इसका शुमार होता है और बहुत ही बुरी खबर वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए भी। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में उनको बोनसर लगने के बाद अगर बात की जाए तो आंद्रे रसल को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही शाकिब अल हसन के वाले सच की बड़ी खबर। शाकिब अल हसन को 3 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। अगर बात की जाए तो 3 मैचों के लिए उनको सस्पेंड कर लिया गया। अगर रीज़न बता दे तो रीज़न पिछले दिनों उनको अंपायर के साथ कुछ बहस हुई थी, उसके बाद उनको 3 मैचों के लिए यानी 3 जो ढाका प्रीमियर लीग के 3 मैच खेले जाएंगे उनमें शाकिब अल हसन खेलते हुए नहीं दिखेंगे और उनको सस्पेंड कर लिया गया और 3 मैचों के लिए उनको बैन कर लिया गया और उन्होंने जो ऑनफील्ड अंपायर के साथ कुछ मिसबिहेव किया था उसके बाद उनको 3 मैचों के लिए बैन कर लिया गया। सबसे बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर शाकिब अल हसन के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि 3 मैचों के बाद उनको यानी उनके जो डिमेरिट पॉइंट है वो जुड़ चुके होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या उनको फिर से एक बैन लग सकती है। फिलहाल अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट निकल के आ रही कि 3 मैचों के लिए फिलहाल उनको बैन कर लिया गया। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आपके वीडियो में सके। थैंक यू।